तो नमस्कार, ट्रेडिंग हुनर चैनल में आपका स्वागत है। 30 सितंबर 2019 का स्टॉक मार्केट कमेंट्री और F&O एनालिसिस मैं शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो रिलीज हो वो आप तक सही समय पर पहुंचे। आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां से आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही आप हमारी फ्यूचर डाटा शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं या उसे वहां पर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। दोस्तों, उसको पहले आप हमारे डिस्क्लेमर को पढ़ सकते हैं जो हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो देखते हैं आज की हाइलाइट्स। आज की हाइलाइट्स हैं कि निफ्टी 37 पॉइंट नीचे यानी 11,474 पर बंद हुआ है, 0.33% की उसमें कमजोरी रही है। सेंसेक्स 38,667 पर बंद हुआ है, 155 पॉइंट नीचे जाकर के लगभग 0.4% की कमी के साथ में। और निफ्टी बैंक, जिसमें एक बड़ी गिरावट देखी गई है, आज 29,103 पर बंद हुआ है, 773 पॉइंट डाउन हुआ है, 2.59% नीचे जाकर के ये बंद हुआ है। बहुत ज्यादा कमजोरी है फाइनेंशियल सेक्टर में। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी अगली स्लाइड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए या ऑप्शन ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसे लॉट की साइज का और उनकी वैल्यू का पता हो। तो इसके लिए हमने उनकी सुविधाओं के लिए ये किया है कि हमने लॉट साइज को डिवाइड किया है और लॉट साइज और उनकी वैल्यू को यहां पर हमने शो किया है। दोस्तों, आप हमारे F&O की लॉट साइज हमारी वेबसाइट पर जाकर के वहां पर जो हमारी डाटा शीट है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस लॉट किस शेयर की लॉट साइज क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन यहां पर समरी जो हम दे रहे हैं वो ये है कि 2 लाख तक के शेयर्स केवल 2 हैं, 2 लाख से 4 लाख तक के शेयर 18 हैं, 4 लाख से 6 लाख तक के शेयर 62 हैं, 6 लाख से 8 लाख तक के शेयर 39 हैं, 8 लाख से 10 लाख तक के 21 शेयर्स हैं और 10 लाख से अधिक के 10 शेयर्स उपलब्ध हैं इस अक्टूबर सीरीज में। और सबसे कम शेयर है, जो सबसे कम वैल्यू का शेयर है, वो है यस बैंक, जिसकी कीमत है 91,520 रुपया और अडानी पावर की कीमत है 12,91,000 रुपया, जो कि सबसे महंगा लॉट है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के टॉप गेनर्स। दोस्तों, ये आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट है, टॉप 10 गेनर्स हैं ये, जिसमें कि आप देख सकते हैं आइडिया लगभग 9% बड़ा है, भारती लगभग 5% बड़ा है, यूपीएल लगभग 4.5% बड़ा है, SCL टेक 3.62% बड़ा है, इन्फी 2.39% बड़ा है, ITC 2.28% बढ़ के बंद हुआ है, कैस्ट्रॉल इंडिया 2.18% बढ़ के बंद हुआ है, बायोकॉन 2.12% बढ़ के बंद हुआ है, कॉनकॉर लगभग 2% बंद हुआ है और रिलायंस 1.68% ऊपर जाके बंद हुआ है। आज मार्केट में कमी रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं दो दिग्गज जैसे कि ITC और रिलायंस आज बढ़ के बंद हुए हैं, साथ ही इन्फी भी, वो भी एक दिग्गज है। यहां पर आप देख रहे हैं आइडिया, भारतीय एयरटेल, यूपीएल और SCL, ये शेयर्स जो हैं वो आज के टॉप 10 कॉन्ट्रैक्ट्स में भी शामिल हैं और भारतीय एयरटेल टॉप 10 ओपन इंटरेस्ट वाले शेयर्स में शामिल है। अब देखते हैं आज के कमजोरी वाले शेयर यानी नुकसान वाले शेयर, टॉप लूजर्स कौन कौन से टॉप लूजर्स हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 30% नीचे बंद हुआ है, यस बैंक 15%, RBL 9.98%, L&T फाइनेंस 9.4%, IDFC फर्स्ट बैंक 8.82% नीचे बंद हुआ है, इंडसइंड बैंक 6.5% नीचे बंद हुआ है, PEL 6.15% नीचे बंद हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 5.71% नीचे बंद हुआ है, NCC 5.63% नीचे बंद हुआ है, यूनियन बैंक 5.61% नीचे जाके बंद हुआ है। सभी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, सभी टॉप लूजर्स में शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो 5 शेयर्स आप देख रहे हैं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंस, IDFC फर्स्ट, इंडसइंड बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये टॉप 10 कॉन्ट्रैक्ट्स में भी शामिल हैं। आइए देखते हैं
हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में बढ़ोतरी, यानी कि आज कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स में कारोबार हुआ है। तो यहां पर आइडिया 297% कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है, भारतीय एयरटेल 280% कॉन्ट्रैक्ट्स में बढ़ोतरी हुई है, टोरेंट फार्मा 249% कॉन्ट्रैक्ट्स में बढ़ोतरी हुई है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 203% की बढ़ोतरी हुई है, यूपीएल में 164% की बढ़ोतरी हुई है, एससीएल टेक में 1.152% की बढ़ोतरी हुई है, एलएनटी फाइनेंस में 144% की बढ़ोतरी हुई है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में 137 कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बढ़े हैं, और इंडसइंड बैंक में 127% की बढ़ोतरी हुई है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में 110% कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा ट्रेड हुए हैं पिछले ट्रेड की अपेक्षा। यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, भारतीय एयरटेल और आईडीएफसी फर्स्ट टॉप 10 ओपन इंटरेस्ट में भी शामिल हैं। अब देखते हैं वो कौन से शेयर्स हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स में जबरदस्त कमी आई है। तो दोस्तों यहां पर एनडीएमसी, एनएमडीसी 68% कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी आई है, स्टार में 65% कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी आई है, पेट्रोनेट में 60% कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी आई है, आईजीएल में 59% कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी आई है, एमएफएसएल में 52% की कमी आई है, जीएमआर इंफ्रा में 51% कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी हुई है, गेल में 51% कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी हुई है, टाटा ग्लोबल में 51% की कमी हुई है, पालकेस इंडस्ट्रीज और मन्नापुरम में 49% कॉन्ट्रैक्ट की कमी हुई है। तो ये रहे यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी होने वाले शेयर्स, यानी कि श्रिंक इन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखते हैं हम अपने ओपन इंटरेस्ट के विश्लेषण को, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों आज लॉन्ग पोजीशंस बनी है 24 शेयर्स में, आज 65 शेयर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनी है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है 36 शेयर्स में, और शॉर्ट कवरिंग हुई है 27 शेयर्स में। दोस्तों ये एनालिसिस मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे आपको पता चल सकता है कि आज सबसे ज्यादा काम किस क्षेत्र में हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनी है, यानी 65 शेयरों में शॉर्ट पोजीशंस बनी है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 36 शेयर्स में हुई है, और जो लॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस बनी है वो केवल 24 शेयर्स में बनी है, और शॉर्ट कवरिंग केवल 27 शेयर्स में हुए हैं। दोस्तों ये ओपन इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसका विश्लेषण किया जाता है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा आप देख रहे हैं लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशंस में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और प्राइस एक में बढ़ रही है और एक में कम हो रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, यदि ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो हम इसको ग्रुप 1 में डाल देते हैं, इसी तरह से यदि ओपन इंटरेस्ट कम होता है और या तो प्राइस कम होगी या प्राइस बढ़ेगी, तो इसको हम ग्रुप 2 में डाल देते हैं। अब देखते हैं ग्रुप 1 और 2 कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 1। जैसा कि पिछली स्लाइड में भी आपने देखा है, यदि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रही है तो वो लॉन्ग पोजीशन हो रही है। इसी तरह से यदि ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइस कम हो रही है शेयर की, तो वो शॉर्ट पोजीशन मानी जाएगी। अब देखते हैं ग्रुप 2 को। ग्रुप 2 में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, दोनों केसेस में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। यदि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्राइस भी कम हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग अनवाइंडिंग, और यदि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्राइस बढ़ रही है तो वो शॉर्ट कवरिंग माना जाएगा। अब देखते हैं आज के लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन किन-किन शेयरों में बनी है। तो दोस्तों ग्रुप 1, जैसा मैंने पिछले आपको अभी अभी बताया कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन ग्रुप 1 में बनती है, यानी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जबरदस्त तरीके से बढ़ता है और प्राइस में या तो बढ़ोतरी होगी, यदि बढ़ोतरी होती है तो वो लॉन्ग पोजीशन बनती है, और यदि कमी होती है प्राइस में तो वो शॉर्ट पोजीशन होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है बैंक निफ्टी में, 37.25% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 16% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में जबरदस्त उछाल आया है, और वहीं पर आप ये देखेंगे कि भारतीय एयरटेल में लगभग 9.38% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और प्राइस वहां पर 5% के लगभग बढ़ी है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनी है। बाकी की जगहों में आप देख सकते हैं कि शॉर्ट पोजिशन बन रही है, क्योंकि वहां पर ओपन इंटरेस्ट तो बहुत जबरदस्त बढ़ा है लेकिन प्राइसेस में
कमी आई है, तो इन शेयर्स को आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि यदि शॉर्ट पोजीशन बनी है तो वो कब तक शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू रहती है, उसके बाद में शायद शॉर्ट कवरिंग आए तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस बनी है और शायद ये और नीचे जाए इन शेयर्स में, और उसके बाद में धीरे से वो कवरिंग होने के बाद में किसी दिन शॉर्ट कवरिंग का दिन आपको देखने को मिले, लेकिन फिलहाल अभी खरीदने जैसी स्थिति नहीं बनती है इन शेयर्स को। अब देखते हैं हम अपने लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स। ग्रुप टू में लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। दोस्तों आप ये इग्नोर करिएगा, मदरसन सुमी का ये पिछले ट्रेडिंग का है, तो ये रहे यहाँ के लॉन्ग अनवाइंडिंग। जैसा मैंने आपको बताया है कि निफ्टी आईटी में बहुत जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है, मनापुरम में भी आई है कमी, कॉनकोर में आई है, तो ये सारे शेयर्स हैं जहां पर ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है, और जहां जहां प्राइसेस बढ़े हैं वहां पर शॉर्ट कवरिंग हुई है, और जहां प्राइसेस कम हुए हैं वहां लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। आप देख सकते हैं ज्यादातर शेयर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, यानी कि बिकवाली का जोर यहाँ पर देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब देखते हैं हमारी रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे। दोस्तों रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे ये होती है कि आज किसी शेयर के निचले स्तर से वो अपने कहां तक ऊपर गया है और कहां पर जाकर के वो बंद हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा स्टॉक, कोई भी स्टॉक कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहां पर हम देख रहे हैं जैसे आइडिया में यहां पर 24% की रिकवरी हुई है, यानी नीचे ₹5 पर खुला था, ₹5 उसने लो बनाया था और ₹6.20 पर बंद हुआ है, तो 24% की जबरदस्त रिकवरी इसमें आई है। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांग यहां पर आज बाइंग यहां पर देखने को मिली है। इसी तरह से भारतीय एयरटेल में लगभग 6.87% की रिकवरी आई है अपने इंट्राडे लो से, और यहीं पर आप ये देख रहे हैं कि ये पांच शेयर्स ऐसे हैं जो कि बड़े हैं, आइडिया, भारतीय एयरटेल, कैस्ट्रॉल, यूपीएल और आईटीसी, ये टॉप 10 बढ़ने वाले शेयर्स में शामिल हैं। अब देखते हैं फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई। दोस्तों ये वो सेगमेंट होता है जहां पर कोई भी शेयर अपने ऊपरी स्तर से कितने नीचे गिरता है, यानी अपने ऊपरी स्तर से गिर के नीचे बंद होने वाले शेयर्स, इससे ये साबित होता है कि ये शेयर कितने ज्यादा कमजोर हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 9 शेयर्स हैं जो कि टॉप 10 लूजर्स में भी शामिल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 30% नीचे गिरा है और उसका जो फॉल हुआ है ऊपर से वो लगभग 26% हुआ है। यस बैंक 15% ऊपर से गिरा है और 15% ही वो नीचे जाकर के बंद हुआ है। तो आप देख सकते हैं जबरदस्त बिकवाली इन शेयर्स में आई है, तो अभी आप इनमें बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करें, ये और भी नीचे जा सकते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, आगे आने वाले समय में जैसा कि जब भी सिचुएशन ठीक होगी तो इन शेयरों में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं हमारा पिवट पॉइंट एनालिसिस। दोस्तों पिवट पॉइंट एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसे बहुत सारे ट्रेडर्स दुनिया में यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। इसमें होता यह है कि जब भी पिवट पॉइंट यदि ऊपर की ओर चला जाता है तो वो शेयर्स जो है वो बेरिश माने जाते हैं, और यदि पिवट पॉइंट नीचे की तरफ जाता है तो वो स्टॉक बुलिश माने जाते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पिवट पॉइंट जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में पिवट पॉइंट 10.43% ऊपर चला गया है, यस बैंक में 5.89% ऊपर गया है। ये आप देख सकते हैं सारे शेयर्स जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनमें सब में पिवट पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया है, इससे ये बहुत ज्यादा बेरिश शेयर माने जा रहे हैं, जैसे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, यस बैंक, आरबीएल, एलएनटी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो ये शेयर्स बेरिश मोड में अब जा चुके हैं। वहीं पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो शेयर्स हैं जैसे कि आरबीएल और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये टॉप 10 गिरने वाले शेयर्स में भी शामिल हैं। और आप ये देख रहे हैं कि आरबीएल, पीएल और आईडीएफसी फर्स्ट, यहां पर टॉप 10 ओपन इंटरेस्ट भी शामिल है। तो आइए देखते हैं हमारा
बुलिश सेगमेंट। दोस्तों ये बुलिश सेगमेंट है, जैसा मैंने आपको कहा कि यहां पर बुलिश सेगमेंट में हम ये देखते हैं कि इन शेयर्स में पिवट पॉइंट कितना नीचे गया है। तो यहां पर पिवट पॉइंट जैसे आप देख सकते हैं, आइडिया का 5.11% नीचे गया है और भारती का 1.57% नीचे गया है और इनके प्राइस में जबरदस्त उछाल आया है। तो ये एक बुलिश मोड में आ गए हैं। तो ये शेयर्स बुलिश मोड में है, आप देख सकते हैं इनको बाय करने के लिए। और यहां पर आइडिया, भारती एयरटेल और यूपीएल ये टॉप 10 कॉन्ट्रैक्ट्स में भी शामिल हैं। और जो आप देख रहे हैं पांच शेयर्स जो कि गोल्डन रिंग में दिखाई दे रहे हैं, ये टॉप 10 गेनर्स में भी शामिल हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunnar.com पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं, साथ ही अपनी डाटा शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने आज जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का।